चौथी नशिस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान हुजूर उस्तादे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशुर रज़ा साहब बिला मद्दतिल नूरानी जो हजारों हजार तलामज़ा के उस्ताद हैं और जिनके तलामज़ा साउथ अफ्रीका ही में नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बहुत सारे खितों में पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे दरमियान पुरनूर शख्सियत हमारे दरमियान जलवा बार है। आज की आखिरी नशिस्त में हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकबर हज़ारवी साहबुल्ला और उनके कलामज़ा भी तशरीफ़ रखते हैं और माशाल्लाह आज की आखिरी नशिस्त में उनके तिलमीज़े ख़ास हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम उमर साहबुल्ला जो साउथ अफ्रीकन अइम्मा के निगरान हैं दावत इस्लामी के आज हमारे बेहतर वो भी तशरीफ़ फरमाए और एक ये खादिम ये भी हजरत का शागिर्द और हजरत के साथ में बैठे हुए हजरत मौलाना कासिम उमर साहब भी आपके शागिर्द और कल भी उनके तलामज़ा की तादाद आपने देखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का फैज़ान सलामत रखे। हमारी आज की नशिस्त में ख्वाहिश थी हमारे मोहतरम जनाब मौलाना सूफी अखलाक़ मसैफ़ी साहब जो गौसे आज़म वेलफेयर फाउंडेशन के फ़ाल रुकन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हज़रात बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी इस तंजीम के कामों में खुसूसी तौर पर आगे आगे रहते हैं। तो आज की आखिरी नशिस्त में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया कलाम पेश करने जा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों का गुलदस्ता पेश फरमाएँ। يا رسول الله
سبحان اللہ تیری رحمتوں کا یا
فیس بک اچھانا چاہیے نا فلاں دوا سے کہہ رہے ہیں فلاں دوا سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تیری رحمتوں کا یا کمائی پڑھ لی پنج تن کا میں گدائی